हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रराज। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे। तो आज आप सभी को मैं न्यू ब्लॉक में ले जाने वाला हूँ अपने कॉलेज के। वहां पे मैं दिखाऊंगा कैसे नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे आपको नॉलेज सीखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को मैं विजिट कराता हूँ। मैं रेडी हो चुका हूँ और एक बार मैं फिर से आप सभी को हैप्पी नर्स डे। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हॉल में पहुंच चुका हूं, अब आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे यहां पे नर्सिंग डे मनाया जाता है। उस सभी को मैं दिखाऊंगा। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हम पहुंच चुके हैं सभी को ही। तो दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं सभी बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट है जो कि ऑथ सेरेमनी अभी करेंगे। यहां पर सभी टीचर्स को वेलकम किया जा रहा है फूल और तिलक लगाकर। ये हमारे डॉक्टर सचिंद्र नारायण सर हैं जो कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं और पूरे कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का ये काम करते हैं। तो सर को वेलकम किया जा रहा है। और ये हमारे मैम हैं, अलीना मैम, जो कि हमारे क्लास टीचर्स हैं फोर्थ ईयर के, और ये हमें कम्युनिटी पढ़ाने का काम करते हैं और मैनेजमेंट। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आगे की ओर चलते हैं। बाकी सभी कोई मैम है, ये हमारे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को संभालने का काम करती है मैम। फिर बहुत सारे मैम है, प्लस पीछे देख रहे हैं पूरे बच्चे लोग भरे हुए हैं जो कि उन सभी का भी वेलकम किया जाएगा। तो क्या आप कौन से कॉलेज हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ है आपका कॉलेज ये भी बताइएगा, और आपके यहाँ क्या इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाया गया है या नहीं मनाया गया है? क्या हम लोगों की तरह ही यहाँ पे जैसे सेलिब्रेट हो रहे हैं बहुत ही धूमधाम से, तो उसी तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है या फिर कम है, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर देखते हैं। अभी सभी का वेलकम किया जा रहा है। तो आप सभी एक और चीज़ हमें बता दें, क्या आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें बहुत सारे पढ़ने से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे लेक्चर्स को देखें। तो ये हमारे सर हैं जिनका वेलकम किया जा रहा है। अब यहां से बच्चों को स्टार्ट होगा, वेलकम किए जाएंगे जो कि कैंडल्स लेकर ओथ्स लेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी लास्ट तक आप ज़रूर देखें, बिकॉज लास्ट में बच्चों के द्वारा जो मस्ती किया गया है, टीचर्स लोगों के द्वारा मस्ती किए गए हैं डांस पे, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो बिहारी जो सॉन्ग बहुत ही फेमस है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखें, यहाँ से स्टार्टिंग है, आपको ऑल चीज़ मिलेंगे। सबसे पहले हमारे जो कल्चर के आधार पर सभी को वेलकम किया गया, और अब यहाँ ये हॉल को देख सकते हैं, पूरे बच्चे अब यहाँ पर भर रहे हैं और यहाँ पर एक एक करके एंट्री किए जा रहे हैं। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके रोज से दिया जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं जो न्यू बच्चों के लिए, उनके लिए यादगार रहता है। और आज के दिन ही ओथ्स होते हैं जिसमें इनका टाइम का वैल्यू और नर्सिंग से रिलेटेड इन सभी के बारे में बताया जाता है। तो चलिए जल्दी से लास्ट तक देखते हैं, आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज में हैं, ये बताना मत भूलिएगा। सो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी वीडियो देखकर एंजॉय करते चलें। और आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग नर्सेस डे 12 मई को मनाते हैं, इस दिन किनका जन्मदिन था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं सभी बच्चे एक एक करके एंट्री करते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे मज़ा आने वाले हैं। तो चलिए आपके साथ में एंजॉय करेंगे। और अफसोस, जो मैंने पोयम बोले थे नर्सेस डे पे मैंने लिखा था, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास ही अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको नहीं अपलोड किया हूँ। और मैं भी इस वीडियो में लगभग जगह पे नज़र ना के बराबर हूँ, नहीं नज़र आऊँगा, बिकॉज जब मैं बोलने गया या फिर जो किया तो उस टाइम में मेरा क्लिप मेरे पास में वापस नहीं आया। तो चलिए बाकी का स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर कैंडल जलाकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है, और जो दीप ज्योति, जो सरस्वती वंदना है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। और इनके जो आप देख रहे हैं सामने में फ्लोरेंस नाइटिंगल्स हैं, आज इन्हीं का बर्थडे है, इन्हीं के दिन पे नर्सेस डे मनाया जाता है। तो आज जो हमारे कॉलेज का जो मेन गेस्ट चीफ गेस्ट थे वो पीएमसीएच के थे, और हमारे प्रिंसिपल मैम जो कि आपको देखेंगे और चेयरमैन हैं सर हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अच्छे पोस्ट के अधिकारी जब आकर आपको बताते हैं, जब उनके बारे में पूरी तरह से जो आप जिस फील्ड में हैं नॉलेज देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलते हैं। और अफसोस यही मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं बैकग्राउंड सॉन्ग को नहीं दे सकता, बिकॉज पीछे के भी जो वीडियो थे उसमें कॉपीराइट्स वगैरह आ जा रहे थे, तो बैकग्राउंड सॉन्ग नहीं दे सकता हूं। बाकी आगे की ओर चलते चले, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, बिकॉज जो लास्ट में आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसी चीज़ आपको मिलेंगे।
तो प्लीज लास्ट तक देखें। यहाँ पे आपका फ्लोरेंस नाइटिंगल्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया गया है। अब यहाँ के बाद हम लोग पूजे के बाद अब एक एक करके कार्यक्रम स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहला ओथ सेरेमनी होंगे, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जीएनएम, एएनएम, इन सभी के बच्चे लोग ओथ लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कैंडल सभी को एक एक करके आगे से जलाकर आ रहे हैं, और ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चले। जैसे आप स्टेज पे देख रहे हैं, ये सुजीत कुमार है और अपोजिट साइड में मोनिका कुमार, ये दोनों एंकर्स हैं इस प्रोग्राम से, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों को सभी को एक एक करके आ रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं और अपने उसी जगह पे जा रहे हैं, और सभी को जब एक बार पूरी तरह से हो जाएंगे देन उसके बाद से हमारे प्रिंसिपल मैम हैं उनके द्वारा ओथ से दिया जाएगा और बच्चों पीछे से बोलकर इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं पूरे जगमग दीपों की तरह, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बजा रहे थे। बट मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये जो कॉपीराइट होने के कारण से मैं म्यूज़िक के बारे में बता दिया। तो अब ओथ सेरेमनी खत्म हो चुके हैं, अब आपका जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं डांस प्रोग्राम का, वो भी तुरंत जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। मैं पूरे ऑल टू ऑल प्रोग्राम्स को मैं नहीं डाल सकता हूं बिकॉज टाइम टेकअप ज़्यादा लेंगे और आपको भी बोर फील करेंगे, प्लस मेरे जो वीडियो हैं इसको कॉपीराइट मार देंगे, जिसके कारण से मैं उतना नहीं कर रहा हूं। बट यहां से स्टार्ट हुए हैं नृत्य कथकली से, तो यहां पे आप हमारे संस्कृति को अपनाए हुए यहां पे डांस स्टार्ट हुआ है। तब ये लास्ट प्रोग्राम था जो कि कमरिया डोले डोले, और बाकी बच्चों के साथ में और भी मस्ती किए गए थे। जैसे आप साइड में देख सकते हैं ये हमारे जो जूनियर्स बच्चे लोग हैं, ये लोग मस्ती पूरे किए थे इस प्रोग्राम को। बाकी बैकग्राउंड का आप साउंड सुन सकते हैं, थोड़ा सा लो पिच कर दिया गया है, और सभी को बहुत ही अच्छे मस्ती लास्ट में जो प्रोग्राम खत्म हुआ तो बच्चों के द्वारा इन्जॉय किया गया, जो कि फुल्ली तरह से जो बराती होते हैं बिहारी बरादरी डांस, वो चीज़ का इन्जॉय किया गया। सो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे मोस्ट जो अच्छा जो प्रोग्राम था लास्ट में बच्चों के द्वारा और ये सभी टीचर्स लोगों के द्वारा इन्जॉय किया गया था, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0, और प्लीज़ जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को देखें उसी तरह से बाकी भी जितने लेक्चर पढ़ाई से रिलेटेड मिलते हैं आप उन सभी को जरूर देखें। मैं भी कंटिन्यू वीडियो लेक्चर आपको लाते रहूँगा जो भी स्टडी से रिलेटेड है, डीजी से रिलेटेड है। सो थैंक यू सो मच, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।